जय हिंद दोस्तों, कैसे हो दोस्तों? उम्मीद करता हूँ आप लोग एकदम फर्स्ट क्लास होंगे। तो दोस्तों, मैं भी एकदम फर्स्ट क्लास हूँ और बस आप लोगों से मैं का कुछ बातचीत करते हैं। तो बहुत से दोस्तों का कमेंट आता है और हमारे दोस्त लोग पूछते रहते हैं, सर फौज की नौकरी में क्या होता है, सुबह की दिनचर्या क्या होती है, सुबह आप लोग सुबह उठते हो तो क्या कार्रवाई करते हो। तो फौज के और सिविल के लाइफ में बहुत अंतर है दोस्तों। फौज में आप लोगों को सुबह 4 बजे ही उठना पड़ जाता है, सिविल में बंदा दिल करता है तो 12 बजे तक सोता है, और भाई उठने वाला तो 5 बजे भी उठ जाता है, 4 बजे भी उठ जाता है। तो अपने ऊपर डिपेंड करता है आप कितने बजे उठते हो और किस तरह की तैयारी कर रहे हो। अगर आप कोई भी तैयारी कर रहे हो तो भाई रातें तो जगनी पड़ेगी, मेहनत तो करना पड़ेगा, बिना मेहनत किए कुछ ही नहीं मिलने वाला है। मैं आप लोगों को 100% की बात बता रहा हूँ, कान खोल के अपना सुन लीजिएगा, जिंदगी भर याद रहेगा। क्योंकि ये चीज़ मेरे को नौकरी मिलने के बाद फील हुआ, जब तक नौकरी नहीं मिली थी ना मेरे को ये चीज़ फील नहीं हो रहा था कि यार ऐसा भी होता है लाइफ में किसी के, कि कभी ऐसे दिन भी देखने पड़ जाएंगे। दोस्तों, जब हम पढ़ाई करते हैं तो क्या करते हैं? ज़्यादा 4 घंटा 5 घंटा पढ़ते हैं, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ते हैं ना, चाहे आप हो चाहे मैं, नहीं पढ़ते हैं भाई। भले हम लोग तो यही पढ़ते थे, 2 घंटा सुबह, एक आधा घंटा शाम को, बस यही पढ़ाई होती थी। बाकी स्कूल कॉलेज में तो कितनी पढ़ाई होती है आप लोगों को पता है, बाकी अभी के टाइम में क्या हो रहा है आप लोग खुद कमेंट में बताइएगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को एक सलाह दे रहा हूँ कि अगर आप लोग कोई भी तैयारी करते हो तो मैं यही आप लोगों को सबसे बड़ा सुझाव दूंगा, कभी भी अफसर लेवल की तैयारी करना है, ये नहीं सोचना है कि मैं नीचे से शुरुआत करूँ, ऊपर से शुरुआत करो। क्योंकि घर पे जब रातें आप जगोगे ना तो आपकी तैयारी बढ़िया से हो जाएगी। कहने का मतलब ये है कि फौज में भर्ती होने के बाद डेली आपको 8 घंटा जगना पड़ता है, 8 घंटा नहीं तो 4 घंटा रात को जगना पड़ता है भाई। अगर वही 4 घंटा जग के, जब नौकरी नहीं मिली थी उससे पहले हमने रात में जग के वही 4 घंटा अगर पढ़ाई किया होता, तो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि फौज की नौकरी नहीं, फौज के ही नौकरी में रहते, लेकिन अगर अधिकारी बन के या कुछ उससे ऊपर या कोई ऐसी नौकरी रहती जिसमें ड्यूटी नहीं रात को देना रहता तो कितना सुकून रहता। बंदा नौकरी किस लिए करता है? सुकून के लिए ही करता है ना, ये थोड़े नहीं कि यार आंखें दर्द होने लगे रात को जग जग के, यार कितनी मेहनत करना पड़ गया, आज तो पूरी रात ड्यूटी थी मेरी। फिर दिन में भी यार आपको दिन में, ये थोड़े नहीं है कि आपको रात को ड्यूटी करवा लिया तो आपको दिन में सुला देगा, कोई ऐसा नहीं होता है दोस्त। अगर आपको रात में ड्यूटी करवाया गया तो दिन में आपसे काम करवाया जाएगा, अपने जहाँ आप रहते हो उसकी साफ़ सफाई कोई भी मेंटेनेंस वैसे भी कुछ भी करवाया जाएगा। ये नहीं है कि आपको रेस्ट दे दिया जाएगा कि आप आराम से बैठे रहो कि भाई तेरी ड्यूटी थी तू आराम कर ले, ऐसा नहीं होता है। दिन में 5-6 घंटा आपको काम करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं आप लोगों को सलाह देता हूँ, पढ़ लिख के अधिकारी लेवल में आओ, ठाट से आराम से चेयर पे बैठो और रात को पूरा आराम से मुंह के पास तक, यहाँ तक चद्दर तान के खर्राटे मार के सो, ठीक है? खैर, सोने से कुछ नहीं मिलता है लेकिन मेहनत तभी करते रहना है, रेस्ट करना है। क्योंकि भाई बंदा जब जवान रहता है ना, कब तक, 30 साल तक, 32 साल तक, 40 साल तक नहीं पता लगेगा, लेकिन 40 के बाद जब रात को जगना पड़ता है ना फिर फील होता है भाई। आपको 5 घंटे 6 घंटे खड़ा होना पड़ता है, फिर पैर भी दर्द करने लगता है, घुटने भी दर्द करने लगता है, हर चीज़ में प्रॉब्लम होती है। इसलिए भाई कान खोल के सुन लो, मेहनत से पढ़ाई करो, स्टार स्टार मतलब फौज की कोई भी नौकरी करो, अधिकारी लेवल में आओ। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सबको मिल जाएगी, लेकिन कोशिश करना है। हम लोगों को तो कोई बताने वाला नहीं था, बहुत सी वैकेंसियाँ ऐसी हैं कि आप भर्ती होने के बाद भी कर सकते हो, लेकिन जब तक दिमाग खुला तब तक बहुत लेट हो गया था यार। नौकरी 5-6 साल निकल गई थी, फिर बस के बाहर हो गया था। आपने ज्वाइन किया, अगर सिपाही रैंक में ही ज्वाइन कर लिया और उसके बाद कुछ और इवेंट होते हैं उसको आपने पास किया तो आपको डायरेक्ट
अच्छी खासी पोस्ट मिल जाती है, लेकिन वो चीज़ मेरे को भी यार नॉलेज नहीं थी, लेकिन अभी मेरे को उस सब चीज़ों के बारे में नॉलेज हो गया है। तो आप लोगों को बढ़िया से विस्तार से मैं खुद समझा सकता हूँ, अगर आप इंडियन आर्मी ज्वाइन किए हो तो APTC कोर्स कर लो, सबसे बेस्ट है। APTC कोर्स कर लिया आपको रात की ड्यूटी माफ़ है, समझ लो ड्यूटी चेक करने का ही लगेगा, बाकी ड्यूटी लगेगा ही नहीं। आप कहीं एक सी ट्रेनिंग सेंटर में अकेले रहोगे, या आपने मैफ रीडिंग जो होता है इसका अगर आपने कोर्स कंप्लीट कर लिया, इसमें भी हवलदार रैंक का होता है, तो बहुत अच्छी नौकरी है दोस्तों। ये सब चीज़ें यार हमें नहीं पता थी, लेकिन अभी जब पता लग गई है तो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। किस लिए? क्योंकि किसी भी भाई को अगर नहीं पता है कोई चीज़, तो बताने से यार उसके अंदर दिमाग में घुसे गया करने के लिए। अगर ये चीज़ मेरे को भी पता रहती तो मैं जहाँ तक उम्मीद रहता, क्योंकि मेरा फिजिकल ठीक था, मैं भी APTC कोर्स कंप्लीट अपना कर लेता और एकदम आराम से पास कर लेता, क्योंकि फिजिकल के मामले में मेरे को भी कोई दिक्कत नहीं थी, एकदम फिट फोर। लेकिन अभी तो भाई शरीर नहीं साथ देगा, क्योंकि जब नौकरी बढ़ जाती है, फिर एज जब ज़्यादा हो जाता है, फिर फिजिकल मूवमेंट में क्या है, टाइमिंग ज़्यादा लगने लगता है और शरीर भी थकने लगता है और प्रैक्टिस भी नहीं हो पाती है ना। जैसे जब नई नई नौकरी रहती है तो प्रैक्टिस करने को मिलता है, वैसे भी जैसे नौकरी पुरानी होती जाएगी आपको ऐसी जगह ड्यूटी लगा दिया जाएगा, चल तू रहने दौड़ने को, तू ये काम कर ले वो काम कर ले, फिर ऐसे ही निकल जाता है दोस्तों। तो आप लोग अपने कहने का मतलब पढ़ाई पे ध्यान दो, उसके साथ जॉब जब भी लग जाए तो बैठना नहीं है, कुछ आगे बढ़ने के लिए सोचना है हमेशा दोस्तों, तभी आप लोग कुछ कर पाओगे। बाकी कोई और जानकारी चाहिए तो कमेंट के माध्यम से आप लोग पूछिएगा, और आप हमारी वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। जय हिंद, जय भारत।